तो और भाई लोग कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज की ये वीडियो YouTube पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो का ये टॉपिक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप माइनक्राफ्ट को जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है उसको आप कैसे RTX ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना क्योंकि रोज़ मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल्स में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो अभी चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपने करना कुछ नहीं है, मैं सब कुछ आपको करके दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और डिस्क्रिप्शन खोलकर देखना है। डिस्क्रिप्शन खोलोगे और उसके नीचे आपको मिलेगा दो फाइल्स की लिंक। तो दोस्तों जो लिंक है उसमें आपको मिलेंगे RTX ग्राफिक के पैक। तो दोस्तों आपने उन दोनों को डाउनलोड कर लेना है, दोनों मीडिया फायर के लिंक होंगे, उन दोनों को जाके डाउनलोड कर लो। तो उन दोनों को डाउनलोड करने के बाद तो आपने आप देख लेना है, एक फाइल होगी 100 MB से ज़्यादा ही होगी और दूसरी फाइल होगी 9 MB की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये दो फाइल्स होंगी, पहली फाइल होगी दोस्तों उसका जो RTX जो पैक है उसकी, और दूसरी होगी शेडर पैक की। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से अभी स्टेप्स करने हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप जो ये बड़ी वाली फाइल है इस पर आप क्लिक करोगे। बड़ी वाली फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा आएगा कॉपी या एक्सट्रैक्ट। आपको पहले कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर इस फाइल को आपने डालना है। सबसे पहले आपने कॉपी पर क्लिक कर देना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप अपने इंटरनल स्टोरेज में जाओगे। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आपको गेम्स का फोल्डर मिलेगा। अभी ये देख सकते हो यहाँ पर गेम्स का फोल्डर है। गेम्स के फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर माइनक्राफ्ट का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। इस माइनक्राफ्ट के फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। वह उन सब फोल्डर्स में से एक पैक होगा जिसका नाम होगा माइनक्राफ्ट रिसोर्स पैक। इस नाम से एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर पर आपने क्लिक कर देना है। वहां पर जाकर आपने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लेने के बाद आपको वो जिप फाइल होगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनबिल्ड मोबाइल में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जेडा स्टीवर को यूज़ कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इतना कर लेने के बाद अभी आपको मैं बता देता हूँ दूसरी फाइल के साथ कैसे करना है। दूसरी फाइल भी दोस्तों आपने वहीं से, मैं अभी कॉपी नहीं करूंगा, सीधा एक्सट्रैक्ट ही मार दूंगा। एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सीधा जाओगे आप वहां पर जाके गेम्स के फोल्डर में जाके माइनक्राफ्ट में जाके और जो रिसोर्स पैक वाला फोल्डर है उसमें जाके आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इतना काम हो गया, बस इतना ही काम था और कोई इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है उसको ऑन कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना, जो आपका माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन हो वो बिल्कुल नया और लेटेस्ट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लेटेस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रहा हूँ। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उसको जाके डाउनलोड कर लो। पूरा लेटेस्ट वर्जन है, कोई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर लेना है। तो बस आपने अपनी जो माइनक्राफ्ट है उसको ओपन कर लेना है। माइनक्राफ्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा रिसोर्स पैक का ऑप्शन। रिसोर्स पैक के दोस्तों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आओगे माई पैक्स में। माई पैक्स में आने के बाद दोस्तों मेरे पास तो बहुत सारे पैक हैं, बट मैं आपको वही पैक डालकर दिखाऊंगा जो मैंने आपसे डाउनलोड करवाए हैं और जो जिससे कि RTX ग्राफिक चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप एक ये वाला कर लेना, अभी मैं कर लेता हूँ, और एक इस नाम का आ जाएगा, इसको शेडर पैक को उसके अंदर डाल लेना है। डाल लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। ये जो आपका पैक्स है ये इंस्टॉल हो जाएंगे सारे मैप्स में। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, बस हो गया आपका काम। प्ले पर क्लिक करना है, अपने वर्ल्ड में जाना है, तो आपका जो पैक है वो चल जाएगा।
बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे मोबाइल में मैंने पहली बार जब ट्राई किया था गेम क्रैश हो गई थी, चला नहीं था। फिर से मैंने बंद करके चलाया, उस दूसरे ट्राई में चल गया था। जब मैंने फिर से तीसरी बार चलाने की कोशिश की, फिर से ये क्रैश हो गया। तो दोस्तों थोड़ा हैवी ये पैक है, इसलिए थोड़ा सा क्रैश कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप माइनक्राफ्ट को अगर इन्जॉय करना चाहते हो तो आप नॉर्मल ग्राफिक्स में खेलो। बट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि RTX भी कैसे दिखते हैं हमारे मोबाइल में, तो आप डालकर देख लेना, कोई मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और आप यहां पर गेम प्ले देख सकते हो दोस्तों। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो फ्रेम रेट है वो बहुत ही गंदे वाले फ्रेम रेट आते हैं। 25-20 FPS पर गेम चलती है, इससे ज़्यादा ये फ्रेम रेट रेंडर नहीं कर पाता। ऊपर से मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से भी 2-3 फ्रेम आराम से कट जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल ग्राफिक्स पर ही खेलो, जो बिना मतलब कोई भी नहीं होता उसमें, कोई भी पैक बुक नहीं डलता। तो आप नॉर्मल ग्राफिक्स पर ही खेलो, उस पर ज़्यादा स्मूथ चलती है, उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है इसके मुकाबले। तो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रोज़ मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए ये ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट मिले, मैं यही कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि रोज़ मेरी जो नई वीडियो आएगी, रोज़ तो नहीं डालता, हफ्ते में 2-3 वीडियोस मैं डालता हूँ, 2 डालता हूँ मैक्सिमम, ज़्यादातर मैं 2 ही आती है मेरी हफ्ते में वीडियोस। तो आप जल्दी से बेल आइकन को भी दबा लो, नई वीडियो आएगी तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो और दोस्तों आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो। और तो और अभी मैं लाइव स्ट्रीम भी शुरू करने वाला हूँ, पूरा सेटअप हो चुका है, अभी लाइव स्ट्रीम भी बहुत ही जल्दी आएगी। तो दोस्तों आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर मैं आपके साथ भी खेल सकता हूँ। तो जो जितने लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो उतना ही बढ़िया है, हर एक को मौका मिल जाएगा मेरे साथ खेलने का, वो भी लाइव स्ट्रीम में। और डिस्कॉर्ड को करना ही करना है, और मेरे बाकी सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है, कोई आपको डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो, मैं उसी टाइम आपको जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।